आपका स्वागत है इस YouTube में और मैं प्रोफेसर अथैया हूँ। मैं आपको ऐसी दुविधा वाली चीज बताऊंगा जिससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। जैसे मैस्टाइटिस तो होती है तो सब लोग जानते हैं, पर मैस्टाइटिस के संग संग कभी कभी ये पॉक्स भी हो जाती है। देखिए इसमें पॉक्स भी होती है, पॉक्स ये माता है, ये इसके वैसे हमारे देसी गायों में नहीं होती पर बिलायती गायों में हो जाती है, भैंस में ज्यादा होती है ये, तो इसमें माता होती है। अब ऐसा है जैसे मैस्टाइटिस तो थी, माता और हुई तो वो थन नहीं पकड़ने देगी। अब ये माता जो है ये चलेगी, मतलब काफी दिन चलेगी, 7-8 दिन ये लेगी, अपने आप ही ठीक होगी। इसका इलाज यही है कि आप इस पर एंटीबायोटिक लगाते रहिए और एक लिग्नोकेन आते हैं वो सुन्न कर देता है, उसको लगा दीजिए, परंतु वैसे ये ठीक नहीं होगी। वैसे इसका टीका भी नहीं है। जो बफेलो की पॉक्स है, शीप की पॉक्स है और गाय की पॉक्स है वो अलग है। हिंदुस्तान में कहते हैं कि गाय की पॉक्स नहीं होती, पर होती है, पर भैंस में ये ज़्यादा होती है। और इसका यही इलाज है कि आप जो है ऐसे पशु के लिए सफाई रखिए, क्योंकि जीवाणु वाला है, अगर ये बैक्टीरिया वाला होता तो ये ठीक हो जाता। मैं आपको इसी तरह तुरंत चला रहा था कि कभी कभी मैस्टाइटिस और ये दोनों चीज़ें हो जाती है, वो बड़ा 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 दुखदायी होती है। मैस्टाइटिस से आप सतर्क रहिए, ये हो जाता है तो मैंने ज़्यादातर देखा है फिर लोग हल्दी और वो लगा देते हैं मक्खन, उससे इसमें काफ़ी लाभ होता है। वैसे एंटीबायोटिक्स है इसमें कोई असर नहीं हुआ, पर सचेत रहिए। वैसे ये ज़्यादा नहीं होता है, मतलब बहुत कम होता है, शीत में काफ़ी हो जाता है, गाय वाय ज़्यादा नहीं होता। मैं यही आपको धन्यवाद, आपने यही यूट्यूब सुना, और अगर आपको लाभकारी लगाओ तो आप दूसरों को बताइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।